हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ODI जो होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या रिपोर्ट्स आई है और साथ ही साथ में प्लेइंग 11 क्या क्या होंगे, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं दोनों टीम की तरफ से, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। की प्लेयर्स बता दूंगा मैं आपको ताकि आपको मिल जाएंगे आपको अपनी टीम बनाने के लिए, और साथ ही साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने बीच में से मिस किया तो आप बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी, तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत कर देना। तो अब चलते हैं यहाँ पे। अब शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ में बेल आइकन दिखेगा बाजू में तो उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ रहेगा, इस वीडियो के नीचे ना मिले तो आप एक दो वीडियो नीचे जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन होना चाहो मेरे ग्रुप में तो ज्वाइन हो सकते हो। हम जो यूट्यूब पे कवर नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप आज भी बहुत सारे मैचेस हैं और थोड़े टाइम कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं सारे मैचेस कवर नहीं कर पाता यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थर्सडे को होने वाला है 12 जुलाई को 4 PM के आसपास, और ये वेन्यू होने वाला है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम। तो यहाँ पे पिच कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉटिंगहम का ग्राउंड कैसा है, बाउंड्रीज छोटे हैं तो यहाँ पे बैटिंग पिच हो सकती है, ठीक है, बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है और अच्छे खासे बैट्समैन दोनों की तरफ से और हार्ड हिटिंग बैट्समैन से तो अच्छा खासा स्कोर देखने मिल सकता है यहाँ पे, और बॉलिंग में भी विकेट्स मिलती है नहीं मिलती है ये सारी चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से टोटल मैचेस कितने हुए हैं। यहाँ पे टोटल मैचेस 43 मैचेस हुए, ठीक है। यहाँ पे मैचेस जो पहले बैटिंग फर्स्ट किए वो 18 बार जीते और बॉलिंग फर्स्ट किए वो 22 बार जीते, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मैच जीत सकते हैं आफ्टर द टॉस। तो अगर आप बैटिंग वगैरह में इन्वॉल्व है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में स्कोर बनता है 250 का, यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में बनता है 215 का। यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे 481 का, लोएस्ट स्कोर रिकॉर्ड है यहाँ पे 83 का। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे 350 प्लस का स्कोर अच्छा खासा मैच देखने मिल सकता है, तो आप मिस मत कीजिएगा इसे और आप भी ज़रूर देखना। अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंडिया का स्क्वाड और मैंने इंग्लैंड का स्क्वाड दोनों का ODI का स्क्वाड मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लास्ट 5 मैचेस के दोनों के इंडिया के बैट्समैन और इंडिया के बॉलर्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें थोड़े T20 इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ODI के मैचेस तो है नहीं, तो उस वजह से मैं इतना प्रेफरेंस नहीं दूंगा, पर ठीक है। कौन से बॉलर्स है ये बॉलर्स तो आप पिक कर ही सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कौन से फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से टीम न्यूज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे T20 के बारे में बात कर ले जो भी पीछे गया, तो इंडिया अच्छे कॉन्फिडेंस में रहेगा क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया है 2-1 से, तो अच्छी खासी विन मिली है वहाँ पे भी। यहाँ पे विराट कोहली लीड करेंगे, MS धोनी विकेट कीपिंग करेंगे, अक्षर पटेल, शरद ठाकुर और सिद्धार्थ कौल, श्रेयस अय्यर, ये चारों को ऐड किया गया है ODI के स्क्वाड में, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ में इनको चांस मिला तो अच्छी इनको भी खेलने का मौका दे सकते हैं। अब बात करें यहाँ से 16 मैन का स्क्वाड ऊपर है मैंने आपको बता दिया, तो वो भी रिलीज़ हो गया। फिर यहाँ से दिनेश कार्तिक अभी भी वेट कर रहे हैं उनके चांस का, उनको चांस नहीं मिल पाया T20 में, होप कि यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। इन सुरेश रैना या फिर दिनेश कार्तिक दोनों में से आज के मैच में खेलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव रश दिया गया था थर्ड मैच में, तो मोस्ट प्रोबेबली वापस कुलदीप यादव को लाया जाएगा, और भुवनेश्वर कुमार थोड़ा सफ़र कर रहे हैं थोड़े वीकनेस में इंजरीज के, इसमें अगर वो फिटनेस टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो वो खेलते नज़र आएंगे, वरना फिर उनके जगह पे सरदार ठाकुर या फिर सिद्धार्थ कौल ये दोनों में आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया, कुलदीप यादव खेल देंगे आपको कन्फर्म है वो, लेकिन भुवनेश्वर कुमार थोड़ा इंजरी में है तो उस वजह से अगर फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तो ये आपके लिए थोड़े अगर पास करते तो ही खेलेंगे, वरना फिर सरदार ठाकुर या फिर सिद्धार्थ कौल दोनों में से कोई भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से KL राहुल के बारे में। KL राहुल ने मेरे हिसाब से तो खेलने चाहिए, अच्छी खासी परफॉर्मेंस की T20 में भी और IPL में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, तो मेरे हिसाब से वो रिटेन हो जाएंगे इस मैच के लिए, तो ये भी आपको खेलते हुए कन्फर्म नज़र आएंगे। अब बात कर लेते हैं
T20 में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उमेश यादव को खिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये लीड करेंगे अपने बॉलिंग सेक्शन में। फिर यहाँ से विश स्पिनर चहल और कुलदीप यादव, ये दोनों अच्छे डिपार्टमेंट स्पिन डिपार्टमेंट में हैं। फिर यहाँ से दोनों टीम बहुत ही बढ़िया, तो अच्छी खासी इंटरेस्टिंग मैच हो सकती है। यहाँ पे ओपनर्स के बारे में बात करें, शिखर धवन और रोहित शर्मा दोनों भी ओपन करेंगे। फिर यहाँ से फास्ट बॉलर्स के बारे में बात करते हैं, उमेश यादव और हार्दिक पांड्या है। और यहाँ से स्पिन गेंदबाज में आपको मिल जाएंगे चहल और कुलदीप यादव। तो ये सारी चीज़ें थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई इंडिया की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इंग्लैंड की टीम नंबर 1 रैंकिंग है ICC ODI रैंकिंग में, हो ये सिर्फ वैसे जनरल नॉलेज के लिए दे दिया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट T20 मैच हार गई थी, लेकिन उसके पहले इंडिया के सामने हार गई है, और उसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो वहाँ पे अच्छे खासे विन किए, तो अच्छे खासे कॉन्फिडेंस तो रह गई। यहाँ से बेन स्टोक फुल्ली फिट है, तो मेरे हिसाब से तो वो वापस खेलेंगे। तो कौन से नंबर पे खेलेंगे ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो खेलने चाहिए। शायद से जो रूट को बिठाया भी सकते हैं इस मैच में, तो ये थोड़ा स्लॉट रिस्की हो सकता है जो रूट और बेंच स्टोक से वाला। मेरे हिसाब से बेंच स्टोक को खिलाया जा सकता है, एक ऑलराउंडर का ऑप्शन मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा उनका, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है, तो ये वाला स्लॉट थोड़ा रिस्की हो सकता है। एलेक्स हेल्स को खिलाया जाएगा इस मैच में। फिर मार्क वुड स्क्वाड में ऐड हो गए हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से लीड करेंगे फास्ट बॉलर्स का, और विद लैम पिकवर्ड और डेविड विली, ये दोनों तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, तो आपको मार्क वुड भी आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर यहाँ से बात कर लेते हैं मोहन अली भी टीम में आ चुके हैं, लेकिन वो लेग स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से मोहन अली और अल्ड राशिद दोनों भी खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अभी जो बात कर लेते हैं जॉनी बेस्ट्रो जसन रॉय, ये दोनों ओपन करेंगे इनिंग्स को। जॉर्ज बटलर शायद से मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ से बात करें तो ओपनर में यहाँ से आपको मिल जाएंगे जॉनी बेस्ट्रो और जेसन रॉय, ये दोनों ओपन करेंगे। लैम पेंक्वेट, डेविड विली और मार्क वुड फास्ट बॉलर में मिलेंगे। स्पिन गेंदबाज में आपको मोहन अली और अल्ड राशिद। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। इतनी सारी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ कर दो, हेल्प मिल जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से हम बात कर लेते इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के बारे में। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, फिर दिनेश कार्तिक, फिर श्रेयस अय्यर, दोनों में से कोई भी आएंगे तो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। फिर यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी, फिर यहाँ से हार्दिक पांड्या, ये वाला स्लॉट भी थोड़ा रिस्क हो सकता है। अगर भुवनेश्वर कुमार फिट होंगे तो ही आएंगे खेलने, वरना फिर सिद्धार्थ कोहली या फिर श्रद्धा ठाकुर में से कोई भी एक खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर यहाँ से कुलदीप यादव, उमेश यादव, फिर युवेंद्र चहल। अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से, अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। जेसन रॉय, जॉनी बेस्ट्रो, जो रूट, इम मॉर्गन, जॉस बटलर जो विकेट कीपिंग करेंगे। फिर यहाँ से बेंच स्टोक्स, मोहन अली, डेविड विली, लैम पिकवर्ड, अल्ड राशिद और मार्क वुड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो ये प्लेइंग 11 यहीं से रहेगा। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के बारे में। इंडिया की तरफ से होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, फिर उमेश यादव और फिर यहाँ से चहल। तो ये सारे प्लेयर्स थे इंडिया की तरफ प्लेइंग की प्लेयर्स, जो आपके लिए सेफ ऑप्शंस भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से, थोड़ा चेंजेस होने के चांसेस हैं यहाँ पे, तो आप इनकी तरफ से थोड़े कम प्लेयर्स रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो रखोगे आप सेफ रखना, बस और कुछ नहीं। यहाँ से मिल जाएंगे आपको जेसन रॉय, जॉनी बेस्ट्रो, ए मॉर्गन, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, डेविड विली, लैम पिकवर्ड और अल्ड राशिद, ये सारे सेफ ऑप्शन हैं, आप इनमें से पिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो कोई और पिक करना चाहते हो आप इजिली पिक कर सकते हो, मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दिया, तो आप इनमें से पिक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप रख सकते हो जेसन रॉय जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जो विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, लेकिन इतनी अच्छी एवरेज परफॉर्मेंस है, जितना उनका फॉर्म होना चाहिए वो उतना है नहीं, पर हो यहाँ पे ODI में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे हम रख सकते हो जॉनी बेस्ट्रो को, शिखर धवन है, ई मॉर्गन है, रोहित शर्मा है, जॉस बटलर और हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में आपको सेफ ऑप्शन जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे वो रहेंगे जॉनी बेस्ट्रो, विराट कोहली, जेसन रॉय, विराट कोहली और फिर यहाँ से रोहित शर्मा दिखेंगे, थोड़े थोड़े लोग रखना चाहेंगे। थोड़े डिफरेंशियल पिक के पार्ट क्या हो सकते हैं, शिखर धवन, यहाँ पे आपको T20 में उन्होंने खेला और इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन ये ODI है, उनका फेवरेट फॉर्मेट है, तो उससे अच्छा शिखर धवन आप डिफरेंशियल पिक के पार्ट रख सकते हो, उन्हें आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी सारी एनालिसिस, होप चलो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों भी कर देना, और कुछ नहीं। और आप चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैंने आपके लिए टीम बनाई है, तो आप यहाँ पे चाहो तो आप इसे थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो, पूरा का पूरा फॉलो मत कीजिएगा, पहले ही आपको रिकमेंड कर देता हूँ मैं। हो सकता है कि अब मेरी टीम चले भी ना भी चले, तो ये रिस्क है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप फिर सिर्फ
एनालिसिस को देख लीजिए और थोड़ा बहुत आइडिया लगा लीजिए अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से टीम बनाइए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर ऑप्शन में, आपके पास जॉस बटलर और एमएस धोनी है, दोनों भी ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जॉस बटलर भी मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और एमएस धोनी भी आपको मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो दोनों भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नज़र आएंगे, तो आप दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। मैं यहाँ से जॉस बटलर के साथ गया हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सेफ ऑप्शंस के लिए स्मॉल लेग्स वगैरह में आपको यही ऑप्शन सेफ दिखेंगे, तो आप इनके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम एम एस धोनी के साथ आप जा सकते हो, तो एक दो टीम बना के खेलेगा, एक जहाँ पे एम एस धोनी को आप पिक कर सकते हो तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। यहाँ से मैंने 5 बैट्समैन को पिक किया हुआ है जो नॉर्मली सारे लोग पिक करेंगे, मैंने भी थोड़ा डिफरेंशियल होने की ट्राई की है यहाँ पे, जैसे कि मैं हमेशा मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं गया हूँ विराट कोहली के साथ, शिखर धवन और रोहित शर्मा, ये मेरे 3 ऑप्शन यहाँ से मैंने पिक किए हुए ओपनिंग में से, और फिर यहाँ से मैंने ई मॉर्गन को पिक किया हुआ है इंग्लैंड की तरफ से, और यहाँ से एलेक्स हेल्स को पिक किया हुआ है, थोड़ा डिफरेंशियल होने की ट्राई की है, जहाँ पे आप देख सकते हो ई मॉर्गन को सिर्फ 19 पीपल लोगों ने लिया हुआ, सिर्फ 19-20 लोगों ने लिया हुआ है, परसेंट लोगों ने लिया हुआ है, तो उस वजह से मैंने थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशियल होने की ट्राई की है। एलेक्स हेल्स को मोस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं लिया हुआ है, 32 अभी तक है, तो देखते हैं एंड एंड क्या क्या हो सकता है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे तो इस टीम में भी हम चेंजेस करते जाएंगे। जेसन रॉय को आप देख सकते हो 69% लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से आज नहीं खेलेंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है, हो सकता है कि गलत भी हो, पता नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप सेफ ऑप्शन है आपके पास जसन रॉय, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो जो रूट, लेकिन ये थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मेरे हिसाब से बेंच स्टॉक को खिलाया जा सकता है क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर ऑप्शन मिल जाएंगे। हम यहाँ से देख सकते हो जॉनी बेस्टो को 54% लोगों ने लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो और इनके साथ दोनों ओपनर्स को यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया हुआ है और यहाँ से मैंने मिडिल ऑर्डर को पिक किया हुआ है, तो आप वैसा कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस रहेगी। यहाँ पे बैट्समैन बहुत ही बढ़िया बढ़िया हार्ड हिटर्स है, तो अच्छा स्मॉल ग्राउंड है, तो आपको अच्छा खासी बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों तरफ से आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शंस के, मैंने यहाँ से पिक किया हुआ बेन स्टोक्स को और हार्दिक पांड्या को, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास और कौन से ऑप्शंस हैं, मोहन अली एक अगर आप ट्राई करना चाहो, थोड़ा डिफरेंशियल होना ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये तीनों भी आपको खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ से बैटिंग में ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, ठीक है, जॉनी बेस्टो जैसन रॉय सॉरी जो रूट तो नहीं है, फिर यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो लोकेश राहुल को, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके लिए सेफ है, तो आप चाहो तो आप दूसरी टीम जब एम एस धोनी बनाते हो तब वहां से आप पिक करना चाहो तो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में, मैंने यहाँ से लिया हुआ है कुलदीप यादव को, यहाँ से मैंने लिया हुआ चहल को, और मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है डेविड विल्ली को, ठीक है। यहाँ से मैंने ये 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है, सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपके पास रहेंगे अल्दराशिद, अगर आप चाहो तो कुलदीप चहल को ड्रॉप करके आप अल्दराशिद को ले सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर इसी ग्राउंड पर हम बात करते हैं तो जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था जहाँ पर अल्दराशिद ने 4 विकेट्स लिए थे, तो ये एक अच्छे ऑप्शन थे यहाँ पर। फिर यहाँ से डेविड विल्ली ने 2 विकेट्स लिए थे, तो ये भी अच्छे फॉर्म में इस ग्राउंड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से बात कर लेते हैं जॉनी बेस्टो, ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप ट्राई करना चाहो तो ज़रूर ट्राई करना, इन्होंने भी 100+ रन मारे थे। जेसन रॉय ने कुछ अराउंड 70 या फिर 60+ रन मारे थे, ये भी एक अच्छे ऑप्शन थे यहाँ पे। ई मॉर्गन ने भी यहाँ पे 60+ रन मारे थे, और एलेक्स हेल्स ने भी 100+ रन मारे थे, तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए सेफ है, तो आप इनके साथ आप जा सकते हो। लेकिन उनकी ओपनिंग टीम ऑस्ट्रेलिया थी, तो जहाँ पे उनका बॉलिंग लाइनअप थोड़ा वीक था, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड इंडिया है, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सेफ ऑप्शन मैंने ट्राई किए, लेकिन आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो जॉनी बेस्टो ये अच्छे फॉर्म में है इस ग्राउंड पे, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, तो आप ट्राई करना चाहो तो विराट कोहली को ड्रॉप करके जॉनी बेस्टो को ट्राई कर सकते हो, या फिर रोहित शर्मा को ड्रॉप करके आप इन्हें कुछ ऐसा कुछ ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस रहेगा, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता दी है, यहाँ से आप ट्राई करना चाहो तो वैसे कुछ ट्राई कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर चॉइस रहेगी, आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हो। मैंने यहाँ से कैप्टन रखा हुआ है शिखर धवन, और यहाँ से वाइस कैप्टन रखा हुआ है एलेक्स हेल्स को, अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। और कौन से ऑप्शन हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ट्राई कर सकते हो शिखर धवन, एलेक्स हेल्स, यहाँ से ई मॉर्गन को ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, रोहित शर्मा एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, विराट कोहली रहेंगे, और फिर यहाँ से आप ट्राई करना चाहो तो कुछ हटके ट्राई करना चाहो तो आप वाइस कैप्टन में आप ट्राई कर सकते हो कुलदीप यादव को या फिर अल्दराशिद को, ये दोनों में स्पिन गेंदबाज है तो हेल्प मिलेगी तो अच्छी खासी दोनों की तरफ से आपको विकेट से मिलते हुए गिरते हुए नजर आएंगे दोनों तरफ से। अब कुछ ट्राई करना चाहो तो आप हार्दिक पांड्या को ट्राई कर सकते हो या फिर बेन स्टोक्स को, ये
ये सारे ऑप्शन है आपके पास। बहुत ही बढ़िया टीम है, बेस्ट बेस्ट वर्सेस बेस्ट है, तो आप अपने हिसाब से टीम बनाइए, अपना लॉजिक लगाइए और जीतिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।